दोस्तों, बॉलीवुड में अगर एक्शन की बात आती है सबसे पहले किसका नाम आता है? मिथुन दादा का। क्योंकि बॉलीवुड में जब उन्होंने एंट्री ली थी तब से लेकर आज तक एक्शन का जलवा बिखरता हुआ चला गया। उसके बाद अक्षय कुमार जी आए। अक्षय कुमार ने भी अपनी फाइट से लोगों के दिलों पर राज किया, लेकिन जब सनी पाजी ने एंट्री ली थी तब तो भाई बात ही कुछ अलग हो गई। सनी पाजी के मुक्के को लोग काफ़ी पसंद करने लगे और 2.5 किलो का हाथ का जलवा उन्होंने बॉलीवुड पर रख दिया। अब इनके बच्चे भी बॉलीवुड में एंट्री ले रहे हैं। हालांकि अक्षय कुमार जी तो अभी उनका बेटा जो है वो छोटा है, पर मिथुन दादा के और सनी देओल के बेटे बड़े बड़े हो चुके हैं और वो फिल्मों में आ भी चुके हैं। जहां करण देओल कुछ दिन पहले, यानी जो सनी देओल के लड़के हैं, करण देओल उनका नाम है, वो पल पल दिल के पास फिल्म लेकर आए थे। हालांकि इस फिल्म के गाने को लोगों ने बहुत पसंद किया, लेकिन इस फिल्म को लोगों से ज़्यादा प्यार नहीं मिल पाया क्योंकि इस फिल्म में करण देओल थोड़ा सा नर्वस दिखाई दिए। इस वजह से इनकी एक्टिंग को लोगों ने ज़्यादा पसंद नहीं किया है। अब बात आती है मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नमासी चक्रवर्ती की। इनकी फिल्म आ रही है बैड बॉय। बैड बॉय में इनके साथ जॉनी लीवर भी नजर आएंगे, जो कि उस टाइम के और आज के टाइम के भी बहुत बड़े कॉमेडी स्टार कहे जाते हैं। जी हाँ, बैड बॉय में भी आपको नमासी चक्रवर्ती के साथ जॉनी लीवर कॉमेडी करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब पल पल दिल के पास फिल्म आई और करण देओल फ्लॉप हो गए, यानी उन्हें उतना पसंद नहीं किया गया, तो क्या ऐसा नमासी चक्रवर्ती के साथ भी हो सकता है? जवाब आपके पास है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन हमें इंतजार है इस फिल्म का, जिसका नाम है बैड बॉय, जो कि मिथुन दादा के बेटे नमासी चक्रवर्ती बहुत जल्द सिनेमाघरों में लेकर आने वाले हैं। इस फिल्म के पोस्टर को सलमान खान ने बहुत दिनों पहले अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया था, जिसके बाद इन्हें कई लोगों ने बधाइयाँ भी दी थी। जैसे सलमान खान हो गए, उनके पिता मिथुन चक्रवर्ती ने भी दिया था, और शाहरुख खान, ऐसे बड़े बड़े एक्टरों ने नमासी चक्रवर्ती को ऑल द बेस्ट कहते हुए गॉड ब्लेस बोला था। अब देखते हैं नमासी चक्रवर्ती इस फिल्म में कैसा कमाल कर पाते हैं। क्या वो इस फिल्म से सुपरस्टार बन पाएंगे? क्या वो अपने पिता की तरह एक बड़े स्टार के तौर पर नजर आएंगे? देखना होगा। और इसके साथ साथ आपका जवाब जरूर चाहिए कि आप करण देओल को पसंद करते हैं या फिर नमासी चक्रवर्ती को। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अभी के लिए बस इतना ही।